गणेशपेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत होली के दिन शराब के नशे में दो युवकों ने पुराने विवाद के चलते एक की हत्या कर दी। मृतक का नाम लखन पप्पू गायकवाड़ है। जानकारी के अनुसार होली के दिन तकिया धंतोली निवासी लखन पप्पू गायकवाड़ और उसके मित्र हिरे नगर जय भीम नगर निवासी चेतन उर्फ बाबा मंडल, कौशल्या नगर निवासी तन्मय उर्फ भदया नगराले ने मिलकर शराब पी। शराब पीने के बाद तीनों ने मिलकर जमकर होली खेली। इसके बाद फिर से उन्होंने शराब पी और शाम 6 बजे के दौरान सभी मोक्षधाम घाट परिसर स्थित संगीता राजेश नागदेवी के घर के सामने बैठने के लिए चले गए। वहां पर बैठकर वह बातचीत कर रहे थे। इस बीच पुरानी बात को लेकर उनके बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद के चलते चेतन व तन्मय ने मिलकर तेज हथियार से लखन पप्पू गायकवाड़ की गर्दन पीठ और पेट पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पहुंचे कुछ लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल पहुंचाया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ भानवी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। काल दिनांक 29/3/2021 रोजी पोलीस स्टेशन गणेशपेठ हद्दीत मोक्षधाम धनगाड येथे इसम नामे लखन पप्पू गायकवाड राहणार सरस्वती नगर धंतोली हा त्यांच्या मित्रांसह मोक्षधाम धनगाड येथे दारूपीत बसलेले होते। तर त्यांच्यामध्ये त्याचे जे मित्र आहेत यांच्यामध्ये जुना वाद होता। तर त्यातील मित्र आरोपी नामे चेतन मंडल व तन्मय नगरारे यांनी त्याला चाकूने भुकसून त्याची हत्या केलेली आहे। आरोपी आणि मृतक हे एकमेकाच्या परिचयाचे होते आणि काही दिवसापूर्वी मृतक आणि आरोपी यांना आरोपी क्रमांक 2 तन्मय नगरारे याला शिवीगाळ करून मारण्याची धमकी दिली होती। तर त्यावरून दोघांमध्ये तेढ निर्माण झाली होती। त्याचाच राग मनात धरून आरोपी चेतन मंडल आणि तन्मय नगरारे यांनी त्याचा खून केलेला आहे। उल्लेखनीय है होली के दिन कोरोना के चलते लॉकडाउन किया गया था। इसके चलते पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त शहर में लगाया गया। हर जगह पुलिस को तैनात किया गया था। अनहोनी को टालने के लिए जगह जगह पुलिस की नजर थी। इतना ही नहीं होली को देखते हुए शहर में गश्त भी बढ़ा दी गई। बावजूद पुलिस के तगड़े बंदोबस्त और लॉकडाउन के चलते शहर में शाम को ही हत्या की घटना से पुलिस की कारगुजारी पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।